समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी विजय रथ यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत गोरखपुर एयरपोर्ट से की जाएगी, जिसके संबंध में समाजवादी पार्टी के MLC संजय लाठर ने बताया कि गोरखपुर एयरपोर्ट से 13 नवंबर को सुबह 10 बजे से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का काफिला कुशीनगर के लिए निकलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के MLC संजय लाठर ने कहा, कुशीनगर चले जाएंगे। कुशीनगर की प्रत्येक विधानसभा में 2 दिन तक सघन दौरा करेंगे, रथ के द्वारा लगातार जनता से जनसंपर्क करेंगे, अनेकों जगह उनका स्वागत होगा, कई जगह सभाएं होंगी और पूरा का पूरा अभियान जो समाजवादी विजय रथ यात्रा का अभियान चल रहा है वो 2 दिन का जो तीसरे चरण का विजय रथ यात्रा का ये तीसरा चरण है 2 दिन अभियान चलेगा और 14 तारीख को शाम को समापन करने के बाद वो कुशीनगर एयरपोर्ट से लखनऊ लौट जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में लैंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है, कानून का संविधान का राज नहीं बचा है, रोजाना हत्याएं हो रही हैं, पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है, जनता पर अनावश्यक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, एक किस्म की यह घोषित इमरजेंसी है, गुंडों का राज चल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, पत्रकारिता और इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, कि मध्यकालीन भारत के करूर शासकों ने भी इतना टैक्स नहीं लगाया था जितना भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार टैक्स वसूल रही है। 13 और 14 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूर्वांचल में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। रथ यात्रा से गोरखपुर से शुरू होकर कुशीनगर की हर विधानसभा में जाएंगे। उनका कार्यक्रम सुबह 9 बजे आ जाएंगे, 9:40 पर आ जाएंगे और उसके बाद 9:40 पे आके स्वागत होगा वहीं पर एयरपोर्ट के बाहर। एयरपोर्ट के बाद स्वागत होने के बाद बाड़ापुर में उनका सभा और स्वागत होगा, फिर बॉर्डर पर स्वागत होगा, फिर वो कुशीनगर की विधानसभा में चले जाएंगे। क्या मकसद है यात्रा का? मैंने बताया चुनावी अभियान का श्री गणेश करेंगे, चुनाव प्रचार अभियान। अब चुनाव शुरू हो चुका है समाजवादी पार्टी का। कितना चरण है ये? तीसरा चरण है। अभी तक कितना समर्थन मिला? बहुत जबरदस्त, लाखों लाख लोग हजूम। इसका ये है कि एक जगह ना आके करीबन 50-100 जगह, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 500, कहीं 1,000, कई कई जगह 100-150 जगह बड़ी संख्या में लोगों का हजूम उमड़ता है और लाखों लोग 2 दिन में इसमें शामिल होते हैं। 2022 में क्या है? समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। किस मुद्दों पे? महंगाई, बेरोजगारी लेकर